फ्रेंड ने हमें गिफ्ट करा है ये वाला कलाम पाक, हमारी कलाम पाक की जगह वहां बन जाइए हमने। गाइस जी मैं इसका रोज बनाऊंगी लाल मुरी गाइस, तो ये करिश्मा की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो गाइस आज की मॉर्निंग हमारी कुछ इस तरीके से है। रात को मैंने राजू के लिए तो वो पानी में भिगो के रख दिया था, छोड़ दिया था, तो वो फूल चुका है अच्छे से। तो मैं अब जा रही हूँ राजमा बनाने के लिए, और उससे पहले मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाना शेक नहीं पी हूँ, आज मैं भी जानबाज करिश्मा की तरह मैं भी दूध का एक कप लेने वाली हूँ, दूध ही पीने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ। चलिए, करिश्मा भी सो रही है इस टाइम, शानवाज भी सो रहे हैं, मैं दूध पहले अंदर लेके जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने 3 कप में दूध निकाल लिया है, और ये ब्रेकफास्ट के लिए इसमें नमकीन वगैरह है, और इसमें पापड़ हैं। तो मैं थकी शानवाज, उसका अम्मा भी सो रही है। बाबू शिन्नू उठो, कुंभकर्ण की तरह सो रही हैं, उठ जाओ। भी उठ रहे हैं, भी उठ रहे हैं, भी उठ रहे हैं, बस एक एक डायलॉग मारे सामने, तू तो उठ जा भाई। ये देखिए गाइस, करिश्मा भी झूम रही है उठ के। क्या हुआ, नींद आ रही है? नहीं दो नाश्ता लग रहा है। चलो भाई चम्मा भी उठ गई है, नाश्ता कर रही है, अब हम मिलते हैं आपसे। अब दूध लेकर आई थी, और करिश्मा ने मुझे देखा और वो उसने गुस्सा करने लग गई, कह रही नहीं तू दूध क्यों पी रही है। फिर वो जाके सुनाकर मेरे लिए मैंगो वो बनाना शेक लेकर आ गई। ये देखो बनाना शेक, अब मुझे यही पीना पड़ रहा है। और एक चीज मैं और दिखाती हूँ आप लोगों को, ये न्यू कलाम पाक है, ये हमारी फ्रेंड ने हमें गिफ्ट करा है, ये वाला कलाम पाक हमारी फ्रेंड ने दिया है हमें। इसे बंद करके दिखाना। हाँ ये देखो गाइस, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना सुनू सा है, कितना बढ़िया कलाम पाक है हमारा, माशाल्लाह से क्यूट लग रहा है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। और ये लेकर आए हैं हम, ये हम लेकर आए हैं, तो ये शानवाज ने अभी कलाम पाक पढ़ा है, तो शानवाज ने बोला लाओ बाजी मैं ये भी लगा, ये भी चढ़ा देता हूँ उसमें झूलेदान, तो मैंने ठीक है भी लगा दो, तो ये अभी इन्होंने पढ़ लिया, तो अब ये रख रहे हैं, और सिर्फ झूलेदान हमारा है, वो हम लेकर आए थे। सर में चूमो इसको, चूम के रखते हैं, ऐसे नहीं रखते, हाँ ऐसे चूम के रखते हैं बस। अब और रखाओ, इसे भी ले जाओ और हेल को भी। बढ़िया माशाल्लाह, बढ़िया लग रहा है, जगह भी बन गई हमारे घर में एक तरफ है ना। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारी कलाम पाक की जगह वहाँ बन जाइए हमने, ठीक है। और ये है हमारा दूसरा झूलेदान, ये दूसरा वाले कलाम पाक के लिए था, मैंने आपको बताया था, पर ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो अब ये चेंज होने जाएगा। बनाई है ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ता करने के बाद राजमा चावल रेडी हो चुके हैं, और ये लोग खाने के लिए अंदर भी लेके गए प्लेट लगाकर, और चावल खत्म हो गए थे तो मैं दोबारा से चावल बना लिया। भाजी लेके गए अंदर, भाजी ने तो बता ही दिया है, ये देखिए यहाँ पर बाजी बैठी हैं, 3 प्लेट लेके, एक मेरी भी है। तुम तो बोलो कुछ, खाएंगे हम, क्या बोलूं? भाई ने मैंने बहुत उत्तम खाना बनाया, मजा आ गया, बहुत टेस्टी है, खाना खा के बात करेंगे आपसे। तो गाइस फाइनली खाना वगैरह खाकर हम हो चुके हैं रेडी पार्लर के लिए, तो हम जा रहे हैं पार्लर, और मिलते हैं आपसे पार्लर में, ठीक है। तो जाते जाते रास्ते में हमने वहाँ से ले लिया 2 गिलास जूस, और इसका पीने में लगी पड़ी है, ये मेरा है, मुझे पीना है। अच्छा बना है, बस बहुत गर्मी हो रही है गाइस, धूप देखो कितनी तेज वाली निकल रही है ना, दुपट्टे डाल रखे हैं मैंने गाइस, बहुत धूप हो रही है। हम जा रहे हैं पार्लर, चलते जी। ये देखो बचपन में मैं खेलता था, ये देखो ये गाइस हम पार्लर में आ चुके हैं, और ये चिज्जी लाई है अनंता हमारे लिए। मुझे लगा के दिखा रही है, ये देखिए गाइस, ये देखो ये है गुरु, ये है चेला, कनाडा डेरी मिल्क चॉकलेट,
कैडबरी। क्या हुआ? गॉड, क्या चॉकलेट्स निकली है। मैं आपको छोटा सा बाइट चेक करके बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है, यू नो दैट। फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ये कैनेडा की क्रिस्टी चॉकलेट, 2 रुपए की मिलेगी, प्राइस सिर्फ 2 रुपए की है, खाली प्राइस इतना सिर्फ 2 रुपए। चलिए ओके, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। गाइस, सो गंदी, मारो दो। गाइस, मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा इतना टेस्टी है चॉकलेट। 2 रुपए की चॉकलेट में, ज्यादा फेंक रही है गाइस, ज्यादा फेंक रही है, ज्यादा फेंक रही है। बाइट बाइट में टेस्ट है, यू नो दैट। अब ये वाला बाइट लेके देखो, मतलब मैंने ना चॉकलेट अंदर डालने को ना मैंने मुंह खोलने का ही दिल नहीं करता, मतलब जो जो मेल्ट होती ना धीरे धीरे धीरे, ओ माय गॉड, सच अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट, सुपर। गंदी लगी ना, और रेटिंग की दुकान गाइस। टार्जन बन जाओगी क्या थोड़ी देर में? टार्जन बनना है सिर्फ ओनली सिर्फ 2 रुपए की है, ठीक है? 2 रुपए की नहीं आती, 5 रुपए की आई होगी। 2 रुपए की आई है, 2 रुपए की है। जो लाने वाली है मुझसे पूछवाते हैं, आप बताइए एड्रेस इसका। 2 रुपए की है और ये गली नंबर 10 चौहान बागर चाय वाली की दुकान पे मिलती है, आपको सिर्फ 2 रुपए लेकर जाने हैं। हाँ जी, ना कि 100 रुपए, ठीक है? और कैनेडा की चॉकलेट है, सिर्फ 2 रुपए में मिलती है। हाँ, ये कैनेडा से एक्सपोर्ट होकर आती है, प्रमोशन करने के 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। इंशाल्लाह मिल जाए हमें, तेरे मुँह में घी शक्कर, जो जो तू बोलेगी वो काजू की बर्फी कटी सब। ऑडियंस अगल बगल जो बैठी ना, ये मेंटल की समझ वाली है, कोई नहीं। सुपर चॉकलेट, क्रिस्टी चॉकलेट है, जरूर ट्राई करें, माशाल्लाह। दाम बताओ? ओनली 2 रुपीज, 100 बिकॉज इसमें गोल्ड अला हुआ है, बिकॉज ये प्योरनेस गोल्ड है इसके अंदर। गुरु चेला 500 रुपए में गाइस, ये सड़विल्ला गुटका टाइप मत खाइएगा, बच्चों को दूर रखे, बस इसे खेलना है, इस बीमारी में बच्चों को दूर रखे, बस थैलियों से यूं खेलने के लिए। मैंने इसे बहुत खाया बचपन में, आए नहीं खाया, मैंने बहुत खाया, बुरा लगता है। पता है अंकल के पास आधी से ज्यादा दुकान में चूरन भरे हुए थे, जलेबी भाई, और पन्नी में, और चूरन की गोलियां इतनी बड़ी बड़ी। बचपन में ना सब बहुत कुछ खाया है, काला चूरन की गोलियां ना, वो लड्डू जैसे दांत लाल हो जाते हैं, जीजा साली खाया है, और मैंने ये गुरु चेला भी बहुत खाया है। मुझे चूरन बिल्कुल नहीं पसंद, चूरन नहीं पसंद, नहीं इसे काला खट्टा चूरन पसंद। हाँ, काला खट्टा चूरन पसंद है मुझे, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है वो, खट्टा वो 2 रुपए का आता है, वो 2 रुपए का। नहीं बाबू निकल जाए तो गाइस, हम बात कर रहे हैं तो ये स्वीट कैंडी के 3 मेरे पे डब्बे हैं। अभी कभी हम मार्केट गए थे, सामान लेकर आए हम घर का, आपको दिखाऊंगी घर जाकर, है ना? तो कॉटन कैंडी है गाइस, ये बहुत टेस्टी होती है कॉटन कैंडी, स्वीट स्वीट सी लगती है, इसलिए मैं स्वीट कैंडी कहती हूँ। इस देखो नगमा, ये क्या बना रही है? क्या बना रही है कॉटन कैंडी का? मैं इसका रोज बना रही हूँ, पागल लगा ले, तेरे को काम धाम नहीं है? काम धाम होता तो मैं रोज बनाती फालतू बैठ के, बाकी का तो काम नहीं है, काम नहीं है। लो खा रही है, बना रही है, लो हम भी खा ले, वो खराब हो गए।
खराब हो गई ना। गाइस मैं इसको आपको बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन वाली चीज बना के दिखा रही हूँ, आप लोग देख के बस टेंशन में आ जाएंगे। ये तो बता वो जो तूने वो दूध का गूदा बनाया था फटे हुए दूध का, उसका क्या हुआ? बाबू को ज्यादा फालतू मत बोलो, वो तुमने सारा बेकार कर दिया था, बाहर छोड़ दिया था फ्रिज में रखते। तो अब बन जाएगा कुछ? अब क्यों बनेगा कुछ, उसका खाए वो देख दिया हमने। देखा गाइस मैंने कही थी ना वो गूदा फिकेगा, जाना इसकी पत्तियां भी बनाऊंगी है ना। मुंह तो बंद करके बना। इतनी बुरी पत्ती। अच्छा बुरी है ये कोई? ले भी देख लो, दिस इज फॉर यू। तो गाइस ये कॉटन कैंडी का रोल मिला है मुझे और ये हुआ मेरा। क्या करना है इसका? तू थोड़ा थोड़ा नीचे, स्टार्टिंग नीचे से करो यार, पूरा मुंह में नहीं रखना। और नहीं मुंह में नहीं रखना। हाँ तू गाओ, मैंने से बनाया और मेरा खा रही है तुम। अरे साइड से मैंने पीछे कहा, आप लिप्स तो खा रही गाइस। हम आ चुके हैं पार्लर से घर, और घर आते समय हमने तो थोड़ी सी सब्जियां वगैरह भी खरीदी थी, और साइड से कम्मो लेकर आई है ये दाल मूरी गाइस। तो ये करिश्मा की फेवरेट है, और ये सान मछली खा रहा है ये देखिए, और ये हम भी खा रहे हैं। मार्केट से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मैं भी वो दिखाऊंगी, पहले मैं खा लेती हूँ ठीक है। गाइस करिश्मा ने जो झाल मुरी ला के दी थी तो मुझसे खाई नहीं गई, तो मैंने तो आधी तो ज़्यादा मैंने फेंक दी, मुझसे नहीं खाई जा रही, मेरा दिल नहीं कर रहा। और अब करिश्मा ने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे उसको, उसने तो खाई नहीं थी, आप लोग को तो पता है उसने तो झाल मुरी वगैरह कुछ भी नहीं खाई, उसका उसका पेट भर रहा है। तो उसने बोला मुझे पापड़ ला के तल के दे दे थोड़े से, मैं पापड़ खाऊंगी, तो मैं उसके लिए पापड़ तल रही हूँ। करिश्मा लेटी हुई है। गाइज हमने कर लिए पापड़ तल लिए हैं, और कम्मो ने ये भी नहीं खाए, देखो वो लेटी उसको कुछ भी नहीं खाना आज, आज पता नहीं क्या हो गया इसको, गिर गई थी, वो सामान लेकर आई हूँ। ये है इसके लिए बेडशीट लेकर आई हूँ मैं बिछाने के लिए, और ये ट्रे है, दो चार कपड़े रखे हुए मेरे इसको ठीक करने के लिए, तो मैं उसको ठीक कर लेती हूँ फटाफट से ठीक है गाइस। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, ये सारा सामान सेट करके रख देती हूँ मैं पहले घर में से उठाकर, चलिए मैं इसको उठा के रख रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।